मोदी का वार, ओडिशा में जब्त 200 करोड़ को लेकर पोस्ट किया है। जनता से लूटी हुई और लूटी पाई लौटानी पड़ेगी। साथ ही ये मोदी की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर ओडिशा और रांची में दो दिन से लगातार छापेमारी जारी है। अब तक आयकर टीम को 200 करोड़ मिले हैं। अब आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं। देखिए, जनता से लूटी पाई पाई चुकानी पड़ेगी, ये लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि जनता से जो चीजें लूटी गई हैं उसकी पाई पाई चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है, ये मोदी की गारंटी है। और इससे पहले भी आपने सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हुए कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी की भी गारंटी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी और अब गारंटी का जिक्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हीं के पोस्ट में किया गया है। और जनता से जो लूटी गई है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ेगी, यानी कि उसकी एक एक चीज चुकानी पड़ेगी, एक एक हिस्सा उसका चुकाना पड़ेगा। करप्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त वार किया है और अब पोस्ट उन्होंने जो किया है उसको लेकर भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है और करप्शन को लेकर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी हमेशा से ही जिक्र करती आई है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करती है। और एक बार फिर से उन्होंने ओडिशा में जब 200 करोड़ को लेकर ट्वीट किया है। पुणे से बड़ी खबर आ रही है जहां फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लग गई है और आग में जलकर 6 लोगों की मौत हो गई। 6 से 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुणे में ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुणे में आग लगी और 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। फिलहाल इस बीच आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं।